वैसे तो ये सारी चीजें आनी ही नहीं चाहिए, देखा जाए तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। वो टिकटॉक पर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप यूट्यूब पर कर रहे हैं तो क्रिएटर्स ही, जहां आपको कोलैबोरेट बिल्कुल करके यू नो वी शुड मेक इट इवन बिगर। पीपल आर योर अब्यूजिंग एंड यू नो दूसरे लोगों को नीचा दिखा रहे हैं और ये सब चीजें इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यूथ में। आई थिंक इट्स वेरी बैड एंड यू नो दे शुड एक्चुअली पुट अ स्टॉप ऑन दिस। व्हाई आर दे क्रिएटिंग हेट यू नो, और स्पेशली इस टाइम पे जहाँ पे आपको इस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए कि हम इंडियंस हैं इस टाइम पर ऐसी टफ सिचुएशन है, हमें एक साथ होना चाहिए, एक साथ कुछ आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जिससे यू नो पब्लिक को फायदा हो, ऐसे इश्यूज ना क्रिएट करके कुछ बेटर कंटेंट क्रिएट करने की जगह आप ऐसे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि यूथ के दिमाग में पता नहीं आप क्या डालना चाह रहे हैं। इतना अब्यूजिव लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं जिसको देखकर लोग कमेंट भी अब्यूजिव लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट समथिंग, आई थिंक दिस नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड इन्फ्लुएंसर और अ गुड कंटेंट क्रिएटर। बाय अब्यूजिंग एब्सोल्युटली समबडी आप क्या आप व्यूज ले रहे हैं या आप क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को? दिस इज एब्सोल्युटली, आई मीन आई एम क्लूलेस, व्हाई इज दिस इवन हैपनिंग, व्हाई आर वी इवन इन दिस स्टेट दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इट। ये तो क्वेश्चन में आना ही नहीं चाहिए था। हम इतने सेंसिबल हमारा यूथ है कि हमें समझना चाहिए कि किस मुद्दे पर हमें बात करनी है, किस पे डिबेट करनी है, बट टिकटॉकर्स वर्सेस यूट्यूबर्स, सेंसिबल पीपल मेकिंग फन ऑफ अदर पीपल, मेकिंग फन ऑफ देयर ओन, एक ही जॉनर हो गया, आप क्रिएटर्स हैं, आप उनका ही करेक्ट मजाक उड़ा रहे हो, मतलब एब्सोल्युटली यार, सेंसलेस एंड वेरी बैड। I do not appreciate it at all. It's like a very big thumbs down to them. I completely agree to what you're saying and मेरे ख्याल से this totally essential thing because both are creators and TikTok बनाना भी आजकल there's so much of creativity in TikTok. पुराने जमाने की तरह नहीं था कि बस एक फ्रेम में आप कर रहे हैं and the way you guys create it's brilliant. I think obviously people are enjoying it. It's so entertaining कि you know obviously इतना कोई सबके पास सेंस है, इतने कम टाइम में इतने मिलियन यूजर्स हो गए, इतने लोग बना रहे हैं, और भले ही ये ना सबका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मे बी आपको पसंद नहीं है इसीलिए आप वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, बट उसका मतलब ये नहीं होता कि आप दूसरों का मजाक उड़ाएंगे, दूसरों को आप अब्यूज करेंगे। और ये एक फन ऐप है, इससे पहले डब स्मैश भी था, और ये तो चलो अब इतना लोग इतना हाइप हो गया टिकटॉक को, लेकिन यूट्यूब तो कब से लोग वाइंस बना रहे हैं, कब से ये सब चीजें कर रहे हैं, बट यू नो कभी टिकटॉकर्स ने तो ऐसा कुछ उनके ऊपर बोला।